हेलो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्रिटिश नागरिकता प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि ब्रिटिश नागरिकता प्रक्रिया में कितना समय लगता है। आपको तो मालूम है कम से कम ब्रिटिश नागरिकता प्रक्रिया को प्रोसेस करने के लिए 6 से 7 साल का समय लग सकता है। इसमें आपको ILR और नागरिकता आवेदन दोनों शामिल हैं। तो दोस्तों नमस्कार, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इफा अराउंड द वर्ल्ड पे। दोस्तों जैसा कि यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम इस्फाक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इफा अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से देश ही नहीं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आपको ये जानकारी मिलने से आपको कुछ फायदा हो सके। तो दोस्तों यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको ऐसे ही हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भारतीय नागरिक को ब्रिटिश का सिटीजनशिप लेने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन मैं जो आपको प्रक्रिया बताने जा रहा हूं, यदि आप वो फॉलो करेंगे तो शायद आपको सिटीजनशिप मिलने में कुछ आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ब्रिटेन में एक वैध वीजा लेकर के जाएं, जैसे कि वर्क वीजा, जो कि आपको वहां काम करने और टेम्पररी रहने की कानूनी रूप से अनुमति देता है। दूसरा तरीका यह है कि आप स्टूडेंट वीजा पर जाएं, ताकि आप वहां पर एजुकेशन हासिल करें, जिसके अंतर्गत आप पढ़ाई के साथ साथ ब्रिटेन की कानून के अनुसार कुछ घंटे काम भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है फैमिली वीजा का, यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति पहले से ही ब्रिटेन में मौजूद है तो वो आपको जो है स्पॉन्सर कर सकता है, ताकि आप जो है ब्रिटेन में लीगल तरीके से आ सके। दोस्तों ये तो हो गया कि आप ब्रिटेन में लीगली इंटर करने का तरीका। अब आपको ILR यानी इनडिफिनिट लीव टू रिमेन लेना होगा। और ILR मिलने का मतलब यह है कि अब आपका बिना किसी समय सीमा के ब्रिटेन में आप रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ILR लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। अब वो शर्तें क्या हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ये ILR का जो आवेदन करने से पहले जो है आपको ये चीज सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप जो है ब्रिटेन में कम से कम 5 साल या उससे अधिक समय तक वैध वीजा पर रह चुके हैं या रह रहे हैं, ठीक है, यदि आप स्टूडेंट या वर्क वीजा पर आए हो तो, ठीक है। और यदि आप स्पाउस वीजा पर हैं तो आपको कम से कम 2 साल ब्रिटेन में रहना जरूरी है। दूसरा नंबर पे जो है आपको अंग्रेजी भाषा की योग्यता भी साबित करनी होगी, जैसे कि आपको IELTS या UKVI या OET, इनमें से कोई भी जो है आपके पास एग्जाम जो है सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। तीसरा जो है आपको जो है लाइफ इन द UK टेस्ट भी जो है पास करना होगा, जो कि ब्रिटिश इतिहास और उसकी संस्कृति से संबंधित होता है। दोस्तों तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि यदि आप ILR के लिए कब एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों आगे मैं बताता चलूं कि ILR मिलने के बाद आपको कम से कम 1 साल और वेट करना होगा। इस दौरान आपको ब्रिटेन में ही रहना होगा, ब्रिटेन से बाहर नहीं जाना है। 1 साल के बाद आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको जैसे कि ILR की शर्तों को पूरा किया, उसी तरह अब आपको नागरिकता लेने के लिए भी कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे कि आपका जो उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। तीसरा, दोस्तों ILR लेने के बाद 1 साल ब्रिटेन में मौजूद होना चाहिए। आप ब्रिटेन में किसी भी गंभीर अपराध में दोषी न पाए गए हों ऐसा भी होना चाहिए, मतलब आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, और आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने चाहिए। तो दोस्तों
ये तो शर्तें हो गई नागरिकता अप्लाई करने की। अब नागरिकता अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, उस फॉर्म का जो नाम है फॉर्म AN, इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भर करके जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, जैसे कि आपकी पासपोर्ट की कॉपी, ILR का प्रमाण पत्र, आपके आवास और काम से जुड़े दस्तावेज भी लग सकते हैं, और अंग्रेजी भाषा की योग्यता का प्रमाण पत्र और लाइफ इन द UK टेस्ट की सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको आवेदन का शुल्क भी देना होगा, जो कि लगभग 1313 GBP के लगभग है। ये समय समय पर दोस्तों बदलते रहता है, एक बार आप चेक कर लें। तो दोस्तों, नागरिकता आवेदन करने के बाद आपको अपने बायोमेट्रिक डेटा देने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। इसके बाद आपके आवेदन पत्र को ब्रिटिश की गृह मंत्रालय के कार्यालय में जो है आवेदन की समीक्षा के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया में आपको 4 से 6 माह तक का भी समय लग सकता है। यदि आपका आवेदन दोस्तों सफल होता है तो आपको ब्रिटिश नागरिकता दे दी जाएगी। आपका आवेदन सफल होने के बाद आपको एक औपचारिक नागरिकता समारोह में भाग लेना होगा। इसमें समारोह में आप नागरिकता की शपथ लेते हैं और आपको ब्रिटिश नागरिकता का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब आप ब्रिटिश पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको नागरिकता प्रमाण पत्र की कॉपी जो है जमा करना पड़ेगा आवेदन के साथ, और आपको कुछ दिनों में पासपोर्ट आपका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रहे, यदि आप भारतीय हैं तो ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद या किसी भी कंट्री की नागरिकता लेने के बाद भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि भारत जो है दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा हो तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि यदि ऐसी वीडियो की किसी दोस्तों को ज़रूरत हो तो शायद वो इस वीडियो को देख करके कुछ इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो तो कृपया, कोई भी क्वेरी हो तो कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।